Hi guys, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Hello. Sprouts Farmers Market 245. बहुत दिनों बाद दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ. I thought काफी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे. ऑलमोस्ट 2 साल हो गए यूएस में रहते हुए. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया यहाँ की लाइफ. I thought I'll start the vlog again and let you know. Turn left on North 7th Street. How is the life here? As you can see, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ. I'm going for some grocery shopping. और साथ साथ मैंने सोचा आपसे बातें भी करते. तो guys, I think अगर आप नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं, so hi, this is Aman. Welcome to my channel. And I have not been regular. I think एक साल से वीडियो आई नहीं है, but I will try to be regular now. Please subscribe to the channel, like the videos if you like, and what to expect in this channel. Basically, life in USA, how to move here, what are the challenges, what is the difference between Indian and US life, और हम क्या करते हैं, और कुछ घूमने घूमने की भी चीजें डालेंगे. जैसे जैसे वीडियोस डालेंगे, I think we'll explore what all things we can add. तो आज की वीडियो में बात करते हैं लाइफ इन यूएस. हाउ इज इट? तो गाइस कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है लाइफ यूएस में कैसी होती है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही डिफरेंट थी. मैं यहाँ पर आया था एकदम अलग सोच के, और काफी चीजें अलग हैं जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगता है. आपको अच्छा है बुरा है वो इंडिविजुअल चॉइस है. मुझे भी बहुत चीजें अच्छी लगी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हैं. समटाइम्स आई डू थिंक शुड आई हैव टेकन द डिसीजन टू कम टू यूएस और नॉट, शुड आई गो बैक. ये चीजें भी चलती रहती हैं गाइस. तो ऐसा नहीं होता कि आप सेट हो गए लाइफ में कि यूएस आ गए, अरे सेट हो गए. देर आर थिंग्स विच आर गुड, देर आर थिंग्स विच आर बैड. बट गाइस मैं आपको मौसम दिखाता हूँ. बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है. मौसम को एंजॉय कीजिए आप थोड़ा सा. देखा मौसम, तो दैट इज वन पॉजिटिव कि नो पॉल्यूशन, मौसम अच्छा रहता है. मैं फीनिक्स में हूँ, एरिजोना. यहाँ पर इट्स लाइक अ डेजर्ट, बहुत गर्मी रहती है. लेकिन अभी मिड सितंबर है, बहुत ही बेटर होने लग गया मौसम अभी इवनिंग का. तो जैसा कि आपने देखा अभी कितना अच्छा स्काई दिख रहा है. द क्लाउड्स, द स्काई, द हॉराइजन. तो ये चीज़ें इंडिया में भी ऑब्जर्व हो सकती हैं, बट उसके लिए आपको कहीं दूर सुनसान जगह या मे बी यू नो लेह लद्दाख टाइप जगह आपको जाना पड़ता है. बट यहाँ पर आप कहीं पर हैं, आप यू विल एक्सपीरियंस दिस. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर. सो दैट्स द पॉजिटिव थिंग. एंड बाकी ऑब्वियसली जो अभी मैंने बात करी वो है कि एनवायरनमेंट अच्छा है, खुली सांस ले सकते हो, आपको पॉल्यूटेड हवा नहीं मिल रही, जो इंडिया में बहुत ही मुश्किल हो गया. आई थिंक बैंगलोर में पहले बहुत अच्छा, लोग कहते थे मौसम अच्छा है, बट वहाँ पर भी पॉल्यूटेड हो गया मैं सुन रहा हूँ. तो दैट्स द पॉजिटिव गाइज. एंड अगर आप सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, राइट? एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ से मैं वैल्यू ऑफ लाइफ पे शिफ्ट हो गया अगर आपने देखा हो. सो वैल्यू ऑफ लाइफ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप
जिंदगी किस लिए होती है? जिंदगी होती है आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। इंडिया में अगर मोस्टली 90% लोग जो भी आप जॉब कर रहे हो, तो आई एम 99% श्योर आप हैप्पी नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द वर्क आवर्स, बिकॉज ऑफ द थिंग्स, प्रेशर रहता है। एंड आई एम हियरिंग द न्यूज, अभी आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है वो ईए में द गर्ल एना, द न्यूज इज ऑन एंड आई कैन सी माई लिंक्डइन फ्लडेड विद मैसेजेस रिगार्डिंग द सेम। सो द क्वालिटी, द वैल्यू ऑफ लाइफ इन इंडिया इज नॉट एट ऑल गुड। आई वॉज वर्किंग इन इंडिया फॉर close to 8 years, but it was like आप हमेशा ही काम कर रहे हो, आप छुट्टी ले रहे हो तो भी आप काम कर रहे हो, आप वीकेंड पे भी काम कर रहे हो। योर बॉस कैन मैसेज यू एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप एंड दे एक्सपेक्ट यू टू रिप्लाई देम इमिडिएटली। अगर आप थोड़ा 10-15 मिनट 1 घंटा लेट रिप्लाई कर देते हो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सो मेनी रीजन, आप सिर्फ, आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप सिर्फ ये तो नहीं कर रहे, राइट? एंड सम बॉसेस गेट ऑफेंडेड, विच इज ऑब्वियसली नॉट द राइट थिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर होता है, अगर आप यूएसए में हो, नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क बियॉन्ड योर वर्क आवर्स 99.5% ऑफ द टाइम। Maybe 0.5% of the time, even if they want you to work, they will request you that there is some senior leadership meeting, you know, we'll have to spend few extra hours. Please, can you work? It would be like that. They will request you, can you spend extra time doing this? And it is absolutely fine if you say no, that you have priorities. Jo India mein agar aapne bol diya, I don't know, you are done. Kahenge bhai dusri naukri dhoond lo. Unka to bas ye rehta hai ki jo bol rahe hain wo karna hai. That's it. So that's the difference in the work life in the US. And if you are doing 8 to 5, you are doing 8 to 5. Aap 5 baje ghar jao, you give time to your family. And they appreciate it. Aap family ko time do. Main yahan par shift hua jab, mere ko adjust karne mein, main abhi bhi pura adjust nahi hua. Mujhe lagta hai ki kaam kyun nahi hai. Matlab kaam karna hai, hame aadat hai 10-11 baje tak kaam karne ki. To मुझे लगता है यहाँ पर आके काम क्यों नहीं है भाई, काम दो मुझे। मैं तो ऐसा होता था, मैं अपने जो मेरे जो लीडर हैं, मैं कहता था कि हमारे पास काम बहुत कम है, टीम के लिए मैं अपनी और काम ढूंढता हूँ। बट धीरे धीरे मुझे यहाँ के कल्चर से, कल्चर के बारे में पता लगा, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। मैं तो कहूँगा मैं अभी भी एडजस्ट हो रहा हूँ, 2 साल होने वाले हैं मुझे, लेकिन मैं अभी भी एडजस्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 5 बजे आप फ्री हो गए, अब आप इवनिंग क्या करो। अब पूरा बचपन, पूरा जॉब का टाइम हमने इवनिंग्स कभी एंजॉय नहीं करी इंडिया में, बिकॉज स्कूल में क्या होता था, स्कूल से आओ भागो, सम पीपल यूज टू गो टू ट्यूशन क्लासेस, दे डू सम एक्स्ट्रा स्टफ, या बहुत और ज्यादा पढ़ाई, तो एवरीथिंग वाज पढ़ाई रिलेटेड, राइट? लेकिन यहाँ पर थिंग्स आर डिफरेंट। पेरेंट्स गो आउट, टेक देयर चिल्ड्रन फॉर सम एक्स्ट्रा क्लासेस, स्विमिंग, सॉकर, बेसबॉल, जो भी यहाँ का कल्चरल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, दे डू दैट। आई डोंट फाइंड पेरेंट्स in India having that kind of time to spend with their kids, absolutely not. Aur wo kabhi ho hi nahi sakta, because
लीडरशिप ही ऐसी है. यू कीप हियरिंग कमेंट्स फ्रॉम सो कॉल्ड ग्रेट फाउंडर्स ऑफ ग्रेट कंपनीज दैट पीपल शुड वर्क फॉर यू नो सो मेनी आवर्स अ वीक, व्हिच इज गुड फॉर देम. दे आर मेकिंग मनी. द मोर देयर एम्प्लॉइज आर वर्किंग, द मोर दे आर अर्निंग, द मोर शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीजेस, विच इज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव थिंग फॉर फाउंडर्स एंड ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट वॉट इज इट फॉर द एम्प्लॉयज? What are you getting? Peanuts? No extra pay? Double work? So, यहाँ में, यहाँ के culture में वो difference है. तो अगर मैं summarize करूँ अभी तक मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो working lifestyle है वो बहुत ही different है. अगर आप India से आ रहे हो तो आपको अजीब लगेगा, आपको adjust होने में ही time लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है. मैं शाम, इतनी बड़ी शाम है मेरे पास, मैं क्या करूँ? पूरे वीकेंड से मेरे पास, मैं क्या करूं? तो यू हैव टू डेवलप सम हॉबीज, गो आउट, मीट न्यू पीपल, प्ले टेनिस, प्ले सम गेम. आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो आप बोर हो जाओगे. तो वर्क के बारे में तो ये है, आई मीन क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अच्छे से आप रह सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, दैट्स द पॉजिटिव थिंग. इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. मैं पहुंच गया हूँ जहाँ मैं आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप मेरे साथ शॉपिंग भी एंजॉय करें. गाइस, शॉपिंग करने हम आए हैं ये स्प्राउट्स फार्मर्स मार्केट. तो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है गाइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स and other groceries. And यहाँ की markets guys ऐसी होती हैं, it's kind of beach में सारा parking area है, and then you will find shops around. And India की तरह malls भी होते हैं, but यहाँ पर जगह इतनी है कि कम होते हैं. So चलो we'll go, let me pick up the trolley. Buy some vegetables. तो vegetable section में चलते हैं. You can see बहुत भीड़ भी नहीं होती यहाँ पर, खाली रहता है. अगर वो देख रहे हो doggy. I hope you can see the dog. यहाँ पर ऐसे आपको बहुत common चीज़ है. You will find people carrying their pets around and bringing to the markets and even to even when traveling on aeroplane you will find dogs and cats. तो guys मैं थोड़ी shopping करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिया. ये देख लो guys, बैंगन ले रहे हैं, बैंगन. और ये बैंगन गाइज, एक बैंगन है $1.5 का, 130 रुपए का, 130 रुपए का बैंगन गाइज, देख लो. इंडिया में कितने का आता है कमेंट्स में बताएं प्लीज गाइज. ये देख लो सब्जियां, क्या क्या सब्जियां मिलती हैं यहाँ पे. अभी गाइज मुझे हरी मिर्च यहाँ पर नहीं मिलती हैं, इंडियन स्टोर जाना पड़ता है, लेकिन हम इससे काम चला लेते हैं. सेरेनो पेपर्स ये मैंने 4-5 लिए हैं, जिसका रेट है $3 LB. $3 LB गाइज, तो $3 LB मतलब आधा किलो लगभग 250 रुपये की. इंडिया में गाइस हरी मिर्चें फ्री मिल जाती हैं, यहाँ पर 250 रुपये की आधा किलो. तो देख लो, किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा प्राइस डिफरेंस इंडिया और यूएसए में,
बट देख लो गाइस आप। और गाइस लेनी है बंद गोभी, कैबेज, गाइस कैबेज है 1.5 डॉलर की, आधा किलो, 120 रुपए की आधा किलो। कंपैरिजन कर लो गाइस, कंपैरिजन कर लो इंडिया में कैसे मिलती है आपको, बहुत ही महंगे। गाइस ऑनियन यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े, और रेड आते हैं, येलो आते हैं, ये वाइट भी आते हैं, वाइट पैकेट में। अभी मैं रेड ऑनियन ले रहा हूँ, इसका प्राइस है गाइस 2 डॉलर आधा किलो, 160-170 रुपए के आधा किलो। इंडिया में अगर आपको याद है ऑनियन के प्राइस पे सरकार बदल जाती है, और यहाँ का प्राइस देख लो, और इंडिया का प्राइस बताना गाइस, मुझे तो 2 साल हो गए हैं इंडिया का प्राइस में पता नहीं है अब, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं भी कंपैरिजन कर पाऊँ। गाइस ये देख लो नींबू, बहुत ही बड़े नींबू होते हैं, और ये हैं ग्रेप फ्रूट, 4 नींबू हैं 3 डॉलर के, 250 रुपए के 4 नींबू। गाइस नींबू पानी पीना ही बंद कर दिया यहाँ पे आके मैंने, इतने महंगे नींबू होते हैं। मजाक कर रहा हूँ गाइस, अब जो भी रेट है खाना पीना तो चलता ही रहेगा, तो मैं नींबू लेता हूँ। नेक्स्ट गाइस मैं ले रहा हूँ ऑरेंजेस, 5 डॉलर्स के 3, 5 डॉलर्स मतलब 18 × 5, 400 रुपए के 3 ऑरेंज। गाइस देख लो गाइस यहाँ की महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है गाइस यहाँ पर, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी मैं 2 साल में लगभग आई एम सीइंग 10% इंक्रीज इन रेट्स, सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है, और यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ती गाइस, सैलरी नहीं बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। और भी देख लो गाइस फ्रूट, ये पता नहीं क्या है, ये ब्लैक मिशन फेक्स, बट ड्रैगन फ्रूट तो इंडिया में मिलता है, यहाँ पर 60 डॉलर के 2 पीस हैं, 7 डॉलर्स 2 पीस। गोल्डन बेरीज 4 डॉलर का ये पैक है छोटा सा, कीवी 4 डॉलर की, ये वाली कीवी 7 डॉलर्स की, बाकी लेमन्स और ऑरेंजेस के पैकेज्ड प्री पैकेज्ड पैकेट्स भी हैं। एंड दिस इज समथिंग न्यू स्टार फ्रूट, मैंने खाया नहीं कभी, 3 डॉलर का एक है। गाइस मैं ढूंढ रहा हूँ अनार, इंडिया में अनार कितना आसानी से मिल जाता है ना गाइस, यहाँ पर अनार होते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से अनार मिलता है यहाँ पे। देखो गाइस मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, आपको अनार दिखे तो मुझे बताओ, मुझे तो दिख नहीं रहा है। बहुत सारे फ्रूट हैं, ये देखो गाइस ये पीचेस हैं, 2 डॉलर्स LB, 3 डॉलर्स LB, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा। अनार कहाँ है, अनार कहाँ है, लाल लाल अनार, एक अनार 100 बीमार, यहाँ पर तो एक भी नहीं है। गाइस एक अनार पे 100 बीमार होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनार ही नहीं है। गाइस यहाँ पर ना फ्रूट बहुत कम मिलता है अच्छी क्वालिटी का, और वैसे भी वैरायटी भी कम मिलती है, तो चलो मैं देखता हूँ कुछ और लेता हूँ, खीरा लेना है, आज खीरा देखते हैं गाइस कितने का। यूजुअली 1 डॉलर का एक होता है, माने 80 रुपए का एक, आज देखते हैं कितने का है, 1.79 का एक है गाइस।
ये खीरा नहीं है, सॉरी, ये गाइस 69 सेंट्स का एक, तो ये ले लेता हूँ। अनार तो मिला नहीं गाइस, हम ले रहे हैं बटर, घी बटर, और ये है $6 का गाइस, है 500 रुपये का, 500 550 रुपये का एक है, दो ले रहे हैं। गाइस ले रहा हूँ मैं ब्राउन शुगर $5 की, 32 ounce। गाइस आपको याद है अगर आप 90s में पैदा हुए थे तो मैं जब शायद 8-9 साल का था, मम्मी मुझे चीनी लेने भेजती थी, 16 रुपये किलो चीनी लाता था मैं, 16 रुपये किलो। आजकल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा होगा, मेरे को रेट नहीं पता, आप बताना, बट ये कितने की थी गाइस, ये $7 रेट, एक बार दोबारा देखें, सॉरी $5 की है गाइस। चलो गाइस शॉपिंग हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल कितना आता है और यहाँ बिलिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे गाइस सेल्फ बिलिंग होती है, तो हम चलते हैं बिल करने। गाइस एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इंडिया की तरह यहाँ पर खुला हुआ सामान भी मिलता है, खुला हुआ मतलब आप स्कूप यूज़ करके जितना आपको लेना है आप डाल दो। ये देखो बहुत सारी आइटम्स हैं, कुछ है नमकीन टाइप और ये कुछ कुछ कैंडीज, ये गाइस कुछ सीड्स हैं, सम ड्राई फ्रूट्स। अच्छा है ना गाइस, थोड़ा इंडिया की याद आ जाती है सब देख के। पहले तो यही होता था, किराने वाली दुकानें होती थी वो तो हम खुला ही लेते थे सब। चलो मेरे को थोड़ी सी ब्राउन शुगर स्कूप वाली भी लेनी है, मैं ढूंढता हूँ और फिर बिलिंग पे चलते हैं। देखो क्या दिखा मेरे को, होल व्हीट फ्लोर आटा स्कूप में डाल के ले लो, $2 इट बी, $2 का आधा किलो, 160 रुपये आधा किलो। चलो गाइस हम चलते हैं बिलिंग पे, ये देखो सेल्फ चेकआउट काउंटर है, यहाँ पे गाइस खुद से स्कैन करेंगे सब। तो गाइस यहाँ पर मैं पंच इन कर रहा हूँ जो के लिए, गाइस यहाँ पर सब कुछ खुद करना होता है। मिल नहीं रहा गाइस अनियन, पर स्टिकर होगा तो वो स्कैन कर देते हैं।
ये ना गाइस देखो, अगर आइटम पे स्टिकर है तो आप वो स्कैन कर सकते हैं। और ये वेट कर रहा है स्क्रीन पे। गाइस देखो मेरी फोटो भी आ रही है, कैमरा होता है ताकि मैं कुछ चोरी ना करूं, मैं मतलब कोई भी कोई कुछ चोरी ना करे। कैबेज कैबेज भी हो गई। मेरे पास क्या बच गया, एक ऑनियन रह गया था, कोई नहीं गाइस ऐसे ही डाल दिया मैंने। कौन सी पेपर थी मैं ही बोली आपको, मैंने दिखाई तो थी, सर्च करता हूँ। गाइस मैं नाम भूल गया, गाइस सेरानो पेपर थी मैंने डाल दी, अब बस मैं पे करता हूँ इसको। कितने बैग आपने लिए हैं, मैंने दो लिए। राउंड अप नो। गाइस शॉपिंग हो गई, कितने डॉलर का आया, एक सेकंड, $34 का बिल आया गाइस, जितना आपको दिखाया उतना ही सामान दिया। कितना हो गया $34, कन्वर्ट कर लो गाइस 35 इंटू 350 इंटू 88, 3,000 रुपये के आसपास का सामान है। तो 3,000 में इंडिया में क्या आ जाता है और यहाँ पे क्या आता है देख लो, ऐसा ही है गाइस, क्या करें, जब जहाँ रहते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। एक सेकेंड मैं फ़ोन फिट कर दूँ कार में ताकि आप लोगों से बातें करता रहूँ। ठीक है गाइज, आई होप आपने थोड़ा सा एंजॉय किया मेरे साथ शॉपिंग करना। मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, मैंने ले लो। तो देख लो गाइज ऐसे शॉपिंग करने आ जाते हैं वीकेंड पे, कभी कुछ कर लेते हैं। बट चलो हम अपनी बात, जो मेन वीडियो मैं बना रहा था वो इसलिए बना रहा था आज की, कि लाइफ डिफरेंस कैसा है। आई थिंक उसमें मैंने एक पॉइंट कवर किया, वर्क लाइफ कैसा डिफरेंस है, एंड वर्क लाइफ के हिसाब से सिर्फ प्रोज मैंने बताए। अगर मैं कॉन्स की बात करूं, कॉन्स की अगर बात कराई जाए, कॉन्स क्या है, मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्स लगा ही नहीं है। वर्क लाइफ बेटर है, एक चीज है टाइमिंग का थोड़ा सा पंगा पड़ता है। अगर आप इंडिया में रहते हो ना, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं रहती। द ओनली कॉन्स विच आई सी कैन बी कॉन्स फॉर यू विच इज ऑल्सो फॉर मी इज, यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ता है काम जल्दी, वो भी अगर आप वेस्ट कोस्ट में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम है, ईस्ट कोस्ट में हो, न्यूयॉर्क साइड हो तो आई थिंक टाइमिंग सही रहता है। लेकिन अगर आप वेस्ट कोस्ट में हो, कैलिफोर्निया, सियाटल, इन एरियाज में अगर काम करने आते हो,
तो आपका काम इंडिया टीम के साथ अगर होता है तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको अर्ली मॉर्निंग कॉल्स लेनी पड़ेंगी, 7 AM, कई बार 6 AM, या फिर लेट नाइट्स लेनी पड़ेंगी अगर वो अर्ली आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू इधर उधर हो जाता है, लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिया वाले ज़्यादा एडजस्ट करते हैं आई वुड से। आप US में हो तो आपका एक प्रायोरिटी रहता है कि ओके आई कैन नॉट कम एट दिस टाइम, एंड पीपल आर वेरी क्लियर कि मुझे 7 बजे, कई बार मैं किसी के साथ कॉल रखता हूँ, पीपल आर क्लियर, नो आई हैव टू ड्रॉप माय किड्स एट 7 AM, आई कैन नॉट बी ऑन द कॉल, दैट्स इट, एंड यू कांट से एनीथिंग, दैट्स द कल्चर। सो वर्क लाइफ में गाइज प्रोज ही प्रोज है। अगर आपको मौका मिलता है US आने का, आप एक बार जरूर आए। और कौन से हैं काफी जो मैं आगे की वीडियोस में बात करूंगा। वर्क लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ में आता है, थोड़ी सी बोरियत रहेगी अगर आप फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे या आप अलोन हैं। अगर आप अपनी स्पाउस के साथ आते हैं तब तो फिर भी ठीक है, अगर आप अकेले आ रहे हैं और आप इंट्रोवर्ट हैं तब थोड़ा सा आपको इशू रह सकता है कि भाई कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि मैंने आपसे बोला यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रहे या कहीं बाहर नहीं जा रहे, किसी दोस्त नहीं है, फिर आप अकेले अकेले रहोगे। वैसे उसका भी आजकल सॉल्यूशन है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, बहुत सारे यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मूवी देखो, एंजॉय करो। और एक और अच्छी बात, अगर मूवी थिएटर्स में देखनी है तो भी यहाँ बहुत अच्छी स्कीम रहती है, $20 मंथ में अनलिमिटेड मूवीज आप थिएटर में जाके देखो, तब भी आप एंजॉय कर सकते हो, यू कैन फाइंड सम वे और एल्स टू एंजॉय। तो चलता हूँ गाइज, मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई थिंक बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ, इतनी बड़ी वीडियो एक साथ नहीं डालना चाहता। आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो और किन विषयों में आपको वीडियोस चाहिए, मैं उस विषय में बनाऊंगा। आई नो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जब मैं इंडिया में था और मुझे US आना था या मैं आना चाहता था, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मैं कुछ कुछ कवर करूंगा, लेकिन आई थिंक मे बी आप लोगों के पास कुछ और तरह के डाउट्स हो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको शुक्रिया, आपने वीडियो वॉच करी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की, एंड आई एम सो सॉरी मैं रेगुलर नहीं था, जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे थे एंड दे एक्सपेक्टेड सम मोर वीडियोस, आई एम सो सॉरी टू देम, बट नाउ वीडियोस विल बी रेगुलर, यू विल गेट टू सी समथिंग और अदर, द लाइफ हाउ वी डू, हाउ आवर डे इज, एंड लाइफ इन जनरल इन US, when we explore some cities. मैंने बहुत सारी cities explore करी, California का tour लिया, but मैंने videos नहीं बनाई, but अब जो भी करेंगे आपको भी साथ में घुमाएंगे, आपको भी USA की सैर कराते रहेंगे साथ में। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, thank you guys for watching and I'll see you in next videos, take care, bye bye.